नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पटना पहुंचने के साथ ही महागठबंधन की तरफ से 30 जनवरी को बनाए जाने वाली मानव श्रृंखला पर सियासत जारी है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के मानव श्रृंखला को लेकर सत्ता पक्ष की तरफ से लगातार हमले किए जा रहे हैं। सत्ता पक्ष ने तेजस्वी यादव को पॉलिटिकल टूरिस्ट बताया है, तो वहीं अब हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने भी तेजस्वी पर कटाक्ष किया है। मांझी ने ट्वीट कर कहा कि घोर कलयुग आ गया है। मांझी ने कहा कि नौकरी और टिकट के लिए जिन नेताओं ने किसानों से जमीन लिखवाई है, अगर उनसे किसानों की जमीन महागठबंधन के लोग वापस करवा दें तो मैं भी मानव श्रृंखला में शामिल होने पर विचार कर सकता हूं। घोर कलयुग आ गया है। नौकरी और टिकट के लिए किसानों की जमीन लिखवाने वाले भी किसानों को न्याय दिलवाएंगे। आपको बता दें कि राबड़ी देवी के 10 सर्कुलर आवास पर महागठबंधन के शीर्ष नेताओं की बैठक की गई, जिसमें मानव श्रृंखला अभियान की समीक्षा की गई। साथ ही महागठबंधन के नेताओं ने सरकार पर आरोप लगाया है। इस बैठक में तेजस्वी ने कहा कि किसानों के आंदोलन के साथ उनकी पार्टी मजबूती से खड़ी है। सरकार अभिव्यक्ति के बोलने की आजादी छीनना चाहती है, लेकिन हम तो बोलेंगे। अगर हिम्मत है तो गिरफ्तार करें। तो बोलिए, सच बोलिएगा तो सजा हो ही ना जाती है। तो हम लोग तो लगातार, हिम्मत है नीतीश जी को तो गिरफ्तार करें भैया। कौन कौन सा कानून ला रहे हैं, किसके लिए ला रहे हैं भाई? अब आप बताइए, यह अद्भुत है कि जनता अगर बोलेगी तो आप उनको जेल भेज दीजिएगा, आप उन पर FIR कीजिएगा। तो ये तो अद्भुत है ना कि आप भ्रष्टाचार करिए और लोग जो है मुंह में दही जमा करके बैठे रहे। ये हो नहीं सकता। हम लोग तो चाहेंगे कि इस कानून को भी वापस लिया जाए। तो ये सब हम लोग करेंगे। अभी तो विधानसभा 19 तारीख से शुरू होने वाला है। नीतीश जी को हर एक चीज़ का जवाब देना पड़ेगा।